सबके लिए बहुत चिंतनीय विषय है कि इतने दिन होने के बावजूद भी चिन्हित अपराधियों को हम पकड़ नहीं पाए। अगर किसी मकान में आग लग जाए तो उसे वहां बुझाने वाले लोग भी मिलेंगे और तमाशबीन भी। कुछ ऐसे ही तमाशबीनों के काम से परेशान सिख समाज के लोग हैं, जो अपनी फरियाद भी ऐसे ही तमाशबीनों के पास लेकर पहुंचे हैं। बात 17 नवंबर की है, जब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करके प्रदेश की सरकार का भाग्य चुन रहे थे। ऐसे में कुछ दबंगों ने जबलपुर में कांग्रेस के सिख नेता की सरेआम धुनाई कर दी। नरेंद्र सिंह पांडे नाम के सिख नेता ने हैरी स्टार जिम में हो रहे अनैतिक कार्यों की शिकायत पुलिस से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक की थी। इसी से भड़के जिम संचालक ने अपने साथियों के साथ उनके साथ सड़क पर बुरी तरह मारपीट की थी। अब उनका परिवार सिख समाज और कांग्रेस नेताओं के साथ इंसाफ की गुहार लगा रहा है। हमारे घर के सामने हैली स्टार जिम है, जिसके संचालक खुद हैली हैं। तो 10 बजे तक जिम चलता था, उसके बाद से वो उनके 10-15 जो उनके फ्रेंड्स होते थे उनके साथ बैठ के ड्रिंक वगैरह करते थे और काफ़ी न्यूसेंस होते रहते थे, जिसके लिए उनको 3-4 साल से बहुत बार टोका गया, लेकिन वो नहीं इस बात को छोड़ रहे थे। तो फिर एक दिन पुलिस रिपोर्ट कराई गई कि ये चीज़ें यहाँ से हटें, तो वो जब लगातार दबाव डाल रहे थे कि आप रिपोर्ट वापस ले लो, तो हमारी तरफ से ये था कि आप लिख के दे दो, 10 बजे के बाद ये सब नहीं होगा तो हम रिपोर्ट वापस ले लेंगे। वो हमको लिख के नहीं दे रहे थे, बस उसी की उन्होंने बदला लेने के लिए इलेक्शन वाले दिन भैया को, मतलब मेरे हस्बैंड को, किसी बहाने से बाहर बुला के और रोड पे गिरा के 10-15 लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की। कांग्रेस नेता के साथ हुई मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों पर इनाम भी घोषित किया है और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए संभावित स्थानों में दबिश दी जा रही है। वो जो वीडियो है उसके आधार पर हम और आरोपियों को भी चिन्हित कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए आज माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर के द्वारा इनाम भी घोषित किया जा रहा है और उनकी तलाश हेतु लगातार एक टीम हमने घोषित की है जो उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं, चूँकि सभी आरोपी जो है घटना समय से अपने घरों से फरार हैं। कांग्रेस के सिख नेता के साथ मारपीट की वारदात को एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। पुलिस अब तक मुख्य आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है और सारे मामले में किसी तमाशबीन की तरह नजर आ रही है। क्या गलती थी कांग्रेस नेता नरेंद्र सिंह पांडे की, उसका जिम में शराबखोरी का विरोध करना या फिर सीएम से लेकर पुलिस तक मामले की शिकायत करना? पुलिस ने अब तक यही साबित किया है कि उस पर भरोसा ही नेता के लिए किसी भूल से कम नहीं है। याद कीजिए, वही जबलपुर पुलिस है जो आचार संहिता में किसी जेब कतरे को पकड़कर मीडिया के सामने अपनी पीठ थपथपाने से बाज नहीं आती थी, लेकिन जब उसकी शरण में कार्रवाई की गुहार लगाते एक नेता पहुंचा तो ये उसे भी नहीं बचा पाई। खैर, अब आगे देखते हैं कि शायद हमारी खबर देखकर जबलपुर पुलिस का चुनावी ड्यूटी से थका हुआ जमीर कब तक जागता है।